तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक ASMD LED को, जिसमें एक प्रॉब्लम है कि ये नहीं चल रहा है, मेरे पास आया है। तो देखिए, इस प्रकार के LED आपके पास भी होगा, या ये पुराने LED जो आप घर पर चलाते हैं, उस प्रकार के भी LED में SMD बल्ब होता है, LED होता है। तो अगर वो नहीं जलता और उसका ड्राइवर किट सही होता है, तो हम उसे किस प्रकार से सही कर सकते हैं, देखिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम किसी भी प्रकार के LED में इस प्रकार की समस्या आए तो उसे हम बहुत आसानी से अपने घर पर सही कर सकते हैं। तो इसको ऑन करके हम देखते हैं, देखिए ऑन करने पर ये नहीं जल रहा है। इस प्रकार मैं इसको इनपुट दे दिया हूँ, लेकिन ये नहीं जल रहा है। तो इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा सभी तरफ, तो इसको हमें सबसे पहले खोलना है। तो मैं इसके खोल के रखा हूँ, तो देखिए इसमें जितना स्क्रू होता है, इस प्रकार से इसमें का स्क्रू मैंने निकाल दिया हूँ, वीडियो को लंबा ना हो इस कारणवश। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम, इस पैनल में LED की जब समस्या आती है, देखिए ये भ्रष्ट हो गया है LED इसमें का बहुत सारा। तो देखिए इसमें जो LED जो दिख रहा है, ये सब अच्छी तरह से इस पर लगे हैं, लेकिन इसका ये डायोड भी सही है, इसका ये IC भी पूरा सही है, इसमें कोई भ्रष्ट नहीं हुआ है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ अब LED का है, देखिए जिसमें ये ब्लैक ब्लैक का टाइप से बीच में दिख रहा है, ये पूरा जल गया है। तो इस प्रकार बाकी LED सही है मेरे हिसाब से। तो हम इसको, इस दोनों साइड के LED को जल गया है, तो इसको हम शॉर्ट करके भी इसको चला सकते हैं, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण LED फ्यूज हो जाएगा शॉर्ट करने पर। तो इस कारण इसको, इसमें हम LED लगाए बिना हम इस पैनल को चालू कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे कि ये LED चालू हो जाए। इस पे हमें सबसे पहले LED को चेक करना है कि कौन कौन से LED को सही है। तो ये ड्राइवर किट आता है, देखिए इसमें रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का मान ये 0.5 वाट का है, इसमें 1 वाट का कम से कम ऊपर ओम्स का, हाई ओम्स का इसमें रेजिस्टेंस, 1 ओम्स से ऊपर का रेजिस्टेंस लगेगा। तो इसके LED के जगह हम इस छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाइए, वो अच्छी तरह से चलेगा और हीट ना होगा, नहीं होगा। इसमें का रेजिस्टेंस हीट हो सकता है, तो तब भी मैं वीडियो को बताने के लिए इस रेजिस्टेंस के मदद से आपको इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर आपको इस ओम को, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैं सोल्ड कर देता हूँ, जिस लाइन पे LED का कनेक्शन सीरीज भाई रहता है, शॉर्ट करने पर उसका रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो LED जल जाता है, लेकिन फ्यूज होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन रेजिस्टेंस जब लगाते हैं तो LED इसी तरह से टिकाऊ रहता है, जिसे नेव जैसे रहता है उसी प्रकार से ये हो जाता है। तो इसका प्रयोग हम इस छोटे रेजिस्टेंस में करके दिखा रहा हूँ। तो इस रेजिस्टेंस का मान कम से कम 1 MΩ से ऊपर का होना चाहिए, और LED में 1 वाट का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इससे लगाकर हम इसमें LED को चालू कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें LED को अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद देखिए मैं दोनों रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया हूँ। और इस प्रकार की समस्या आया, आपके पास LED मौजूद ना हो, तो हम रेजिस्टेंस लगाकर भी इसका पैनल को सही कर सकते हैं। इसके मान को सेम जिस पोजीशन में रहता है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाकर, देखिए ये बहुत अच्छी तरह से दोनों रेजिस्टेंस लग गया है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस का एम्पियर कम होने के कारण ये 0.5 ओम का है, ये हीट होगा। तो इसके लिए आपको 1 वाट का रेजिस्टेंस, कम से कम 1 वाट से ऊपर का रेजिस्टेंस लगाकर आप इस LED को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों में रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ दो। अब इसका, इसको आप इनपुट देते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, देखिए। तो इसको हम स्विच पे लगाते हैं, तो लगाने पर, स्विच ऑन करने पर देखिए ये बल्ब जल गया है, अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है, देखिए ये अब टिकाऊ होगा उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले नेव लाइट रहता है उसी